मंगाया है ये ऑनलाइन मंगाया है ये जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है ये। देख लो ये गोरे लाल ने डिलीवर किया है, ये देख लो ना। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आस्था के नाम पर कुछ लोग भोले भाले लोगों को किस तरह से फंसाते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला है। ऑनलाइन पहले भगवान की मूर्तियां मंगवाई और फिर खेत में इन मूर्तियों को गाड़ दिया। उसके बाद गांव वालों से बोला कि माता उनके सपने में आई थी और उन्होंने बताया है कि उनके खेत में मूर्तियाँ हैं। जिसके बाद गाँव वालों के सामने खेत की खुदाई की गई और मूर्तियों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद मानो भक्तों की भीड़ लग गई और चढ़ावे पे चढ़ावा चढ़ने लगा। मगर पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। मामला उन्नाव का है, जहां रवि और विजय नाम के दो लोग खेत में मूर्तियां पहले गाड़ दिए। इन मूर्तियों को इन लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था और फिर लोगों को ठगने की फिराक में लग गए और आखिरकार ऑनलाइन मंगाई गई मूर्तियों के जरिए दो दिनों में करीब 35,000 का चढ़ावा भी चढ़ गया। मगर पुलिस ने जब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया तो पुलिस ने पाया छानबीन में कि ये जो मूर्तियां हैं ये ऑनलाइन मंगाई गई हैं और मूर्तियां मंगाकर गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाने वाले इन लोगों पर पुलिस ने संज्ञान लिया और इन पर अब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। किस माध्यम से? हमको माता ने बताया। अच्छा, क्या क्या निकला आपके खेत में? हमारे खेत में माता जी की मूर्ति निकली तीन जी, कुबेर महाराज हैं, लक्ष्मी माता जी हैं, सरस्वती माता जी हैं, एक चाबी है, रुद्राज की माला है और एक सिक्का है, सब मिला के 9 चीज़ें हैं। किस धातु की हैं? अब ये बात तो हम ही नहीं बता सकते। अभी फिलहाल कहाँ पर शिफ्ट किया है आपने उनको? अभी तो हमारे घर में है शिफ्ट, बाकी उनको कल जो है चबूतरा बनाने की कोशिश है। ये मामला असीमन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके दो लड़के पिछले दो दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई है और वहां पर अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। प्रथम पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने अमेजन से मंगाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले हैं और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को पहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उनकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।